अस्सलामुअलैकुम पीएसएचसी शाइनो, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी मैं हूँ मीर और मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ पीएसएचसी ट्रेनिंग सेशंस। और आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया स्ट्रेटजी, 100% जो वर्क करती है। और अगर आप लोगों ने अगर वो स्ट्रेटजी सीख ली तो इंशाल्लाह आप लोगों का एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट फॉर द इंट्राडे ट्रेड्स बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलते हैं, मूव करते हैं अपनी स्ट्रेटजी की तरफ। अच्छा जी, अब हम चार्ट ओपन करते हैं और चार्ट ओपन करने के लिए रियल टाइम एडवांस चार्टिंग टूल scstrade.com को हमने सेलेक्ट किया है। यहाँ हम कर लेते हैं जी, बिल्कुल ये आ गया आपके सामने चार्ट, एक KC100 इंडेक्स है, इसको हम छोड़ दें और हम करते हैं फॉर एग्जांपल हमने ले लिया नेटसोल का हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। डे टाइम फ्रेम डे है। अब हमने क्या करना है जी, इंडिकेटर्स लगाने हैं। कौन कौन से इंडिकेटर्स लगाने हैं जी, देखते जाइए और समझते जाइए। सबसे पहले इंडिकेटर लगाना हमने पीवट पॉइंट्स का, पीवट पॉइंट स्टैंडर्ड। और ये जब लगाने के बाद हमने इसकी सेटिंग में आना है, पीवट पॉइंट की सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके इसको टाइप में हमने जो है वो फिबोनाची करना है और शो हिस्टोरिकल प्राइस से पीवट्स को हमने हटाना है ये ऑप्शन और ओके कर देना है। ये आपके पिवट पॉइंट्स लग गए। नेक्स्ट इंडिकेटर जो आएगा यूज करेंगे हम, वो यूज करेंगे कौन सा यूज करेंगे जी, स्टॉकस्टिक्स आरएसआई। आरएसआई नहीं करना है, स्टॉकस्टिक्स आरएसआई। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि ये एक स्टॉकस्टिक्स आरएसआई का जो है वो ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा। तीसरा जो इंडिकेटर है वो हम यूज करेंगे वी वैप, ठीक है जी, वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज। ओके, तो ये हम कर रहे हैं वी वैप को जैसे आप करोगे तो ये एक लाइन प्राइस के साथ, लाइन ये कैंडल्स के साथ एक लाइन आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी जी। तो ये तीन इंडिकेटर यूज करने हैं, वॉल्यूम को नहीं यूज करना है जी, बिल्कुल। ये तीन इंडिकेटर हमने यूज करने हैं, कौन कौन से जी, पिवट पॉइंट आरएसआई, स्टॉकस्टिक्स आरएसआई और जी ये है गया जी वी वैप। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने टाइम फ्रेम चेंज करना है क्योंकि ये इंट्राडे के अंदर, इंट्राडे की स्ट्रेटजी हम यूज कर रहे हैं। तो हम टाइम फ्रेम यहाँ चेंज करके हमने लगानी है टाइम फ्रेम 15 मिनट। आप देखें ये एक इस तरह का ग्राफ आपके सामने, इस तरह का चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये चार्ट आपके सामने ओपन हो गया है। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने रूल्स को फॉलो करना है। रूल क्या है जी, रूल हमें आपको बता देता हूं कि रूल्स को फॉलो करना है हमने, और रूल्स क्या हैं ये आपको सीखने जरूरी है। रूल नंबर वन क्या है जी, के वी वैप हमेशा क्या होना चाहिए, प्राइस के या कैंडल्स के, वी वैप शुड बी डाउन साइड ऑफ द कैंडल्स। ओके, रूल नंबर वन ये है। सेकंड रूल क्या है जी, सेकंड रूल ये है कि आपका स्टॉकस्टिक आरएसआई क्रॉसओवर देना चाहिए, क्रॉसओवर होना चाहिए। क्या क्रॉसओवर होना चाहिए, ब्लू लाइन आपकी क्रॉस करेगी, ब्लू लाइन शुड क्रॉस रेड लाइन ऑन अपसाइड। ओके, अपसाइड पे क्रॉसओवर देना चाहिए स्टॉकस्टिक्स आरएसआई को। तीसरा क्या पॉइंट है, बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, अभी आप पहले रूल्स लिख लीजिए फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं जी। आपका तीसरा क्या रूल है, तीसरा रूल यह है कि जो आपके जो पीवट पॉइंट है, पीवट पॉइंट कोई भी किसी भी पीवट पॉइंट का ब्रेक, कैंडल ब्रेक करना चाहिए, कैंडल ब्रेक होना चाहिए किसी भी पीवट पॉइंट का। तो ये तीन रूल्स को हमने फॉलो करना है, ठीक है जी। तो तीन रूल्स हमने क्या फॉलो करने हैं जी, पहला रूल क्या है, वी वैप शुड बी डाउन साइड ऑफ द कैंडल्स लाइक दिस। जिस तरह से ये आपके पास डाउन साइड ऑफ द कैंडल है, इस तरह से होना चाहिए, ये डाउन साइड ऑफ द कैंडल्स है, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये डाउन साइड ऑफ द कैंडल्स है, ये इस तरीके से होना चाहिए, ये डाउन साइड ऑफ द कैंडल्स हैं, ये इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है जी। अप साइड के ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आप अप साइड के ऊपर लाइक ये देख रहे हो आप, अप साइड के ऊपर या कैंडल के अंदर घुसा हुआ है ये वी वैप, तो ये नहीं होना चाहिए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। अप साइड के ऊपर
ये नहीं होना चाहिए। देखो आप अपसाइड के ऊपर नजर आ रहा है आपको, ये देख रहे हो अपसाइड के ऊपर, तो ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ओके, तो पहला रूल तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड रूल, स्टोकेस्टिक आरएसआई, जो स्टोकेस्टिक आरएसआई है वो क्रॉस ओवर देना चाहिए, ब्लू लाइन क्रॉस करनी चाहिए रेड लाइन को अपसाइड के ऊपर। जैसे ये क्रॉस ओवर मिला, जैसे ये क्रॉस ओवर मिला, जैसे ये क्रॉस ओवर मिला, तो क्रॉस ओवर मिलने का मतलब क्या है जी, कि ये बाय सिग्नल दे चुका है स्टोकेस्टिक आरएसआई। तीसरा क्या बताया था पॉइंट, तीसरा रूल ये बताया था आपको कि क्या होना चाहिए, पीवट पॉइंट, कोई भी पीवट पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, कोई भी पीवट पॉइंट ब्रेक होना चाहिए, ठीक है, तो हम एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पर अगर एग्जांपल ले लूं, तो क्या यहां पर आप देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर, यहां देखो आप, ये एरिया देखो आप, तो आपको क्या दिख रहा है कि यहां से क्या हुआ, यहां से जो है ये आपका जो वी वेब है वो आ गया नीचे, कैंडल्स के नीचे है, ठीक है। ओके जी, यहां पर स्टोकेस्टिक्स आरएसआई ने आपको क्या किया, अपसाइड पे जो है इसको क्या किया, क्रॉसओवर किया, बिल्कुल जी कर लिया। ओके, क्या यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर क्या हुआ है, यहां पर ब्रेक हुआ है, यानी कि पीवट पॉइंट, ये जो पीवट पॉइंट है, ये जो पीवट पॉइंट है ब्रेक होके ये एक कैंडल बना है ऊपर की साइड के ऊपर, ये वाला कैंडल बना है, तो आपने कहां पर एंट्री देनी है, जैसे ही ये पीवट पॉइंट, जैसे ही यहां पर प्राइस आती आपने यहां पर एंट्री देनी थी, ठीक है। यानी के क्या इंडिकेशन मिली, सबसे पहले इंडिकेशन के आपका जो वी वैप है वो कैंडल के नीचे है, सेकंड इंडिकेशन जो आपका जो आरएसआई स्टोकेस्टिक्स आरएसआई है उसने क्रॉस ओवर दिया अपसाइड के ऊपर रेड लाइन को, ये सिग्नल मिल गया। तीसरा क्या कि आपका कैंडल जो आपका जो पीवट पॉइंट है वो आपका ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि पीवट पॉइंट का ब्रेक होते के साथ ही आपने एंट्री देनी है। जैसे आपने एंट्री दोगे अब आप टारगेट कहां तक रख सकते हो, नेक्स्ट पीवट पॉइंट तक टारगेट रख सकते हो। अगर आपने यहां पर एंट्री दी होती तो 179 से लेके 181.44 तक के आप देख कर सकते थे, टारगेट ले सकते थे 181.67 तक के। अगर आपको दिखता है कि और ऊपर जा रहा है तो आपने जाने देना और टारगेट, नेक्स्ट टारगेट आप यहां ले सकते थे 182.47, ठीक है जी। तो ये आप इस तरीके से आप कर सकते हो। और दूसरा टाइम फ्रेम अगर आप 15 मिनट पे नहीं करना चाह रहे हो, आप 5 मिनट पे करना चाह रहे हो, तो 5 मिनट पे भी सेम आप स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे और आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी अच्छी लगेगी थोड़ी सी, ठीक है, समझ में भी आएगी। चलें यहाँ देख लेते हैं ताकि स्ट्रेटेजी मैं पहले डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको स्ट्रेटेजी समझ में जी। यहाँ क्या हुआ जी, ये देखो मैं सेम पॉइंट लेता हूँ। ओके, पीवट आपका वी वेब नीचे आया, कैंडल्स के नीचे हो गया, बिल्कुल हमें यही चाहिए कंडीशन। पहला रूल, वी वेब कैंडल्स के नीचे होना चाहिए, वेरी गुड। क्रॉस ओवर मिला हमको, यहाँ पर क्रॉस ओवर मिल गया, यहाँ पर क्रॉस ओवर दे दिया, यहाँ पर हमें जी बिल्कुल क्रॉस ओवर दे दिया है, सिग्नल हमें मिल चुका है। तो हमने क्या किया जी, हमने क्या किया, हमने फौरन यहाँ पर हमने पीवट पॉइंट, अच्छा थर्ड क्या, पीवट पॉइंट ब्रेक हुआ इधर, बिल्कुल हो गया है, पीवट पॉइंट तक के गया और ये ब्रेकअप दिया इसने, जैसे ही ब्रेकअप दिया हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने एंट्री करनी है और फिर हमने वेट करना है, देखना है। देखो ये यहां से लेके यहां तक के गया पीवट पॉइंट, ठीक है, पीवट पॉइंट नीचे ही है, आपका वी वैप नीचे है, ठीक है, यहां हमें क्रॉस ओवर मिल चुका था, बाय का सिग्नल मिल गया, हमने बाय कर लिया, लेकिन अब हमने होल्ड किया इसको, और कब तक के होल्ड किया, जब तक के मार्केट क्लोज नहीं हो गई। तो यानी अगर आप यहाँ पर एंट्री करते 178.47 पे तो 184.65 तक के आप होल्ड कर सकते थे। टारगेट आप क्या रख सकते हो, टारगेट आप R3 टारगेट रख सकते हो, आप R2 भी टारगेट रख सकते हो, कि आप R2 टारगेट रख के आप यहाँ पर एग्जिट हो जाते, ठीक है, ये भी पॉसिबल था। तो लेकिन अगर आप होल्ड करोगे, पेशेंट करोगे, पेशेंस रखोगे आपको, तो ज्यादा टारगेट मिलेगा और अच्छा टारगेट मिलेगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी थी
जो आप लोगों से डिस्कस करनी थी आपका एंट्री पॉइंट ठीक करने के लिए इंट्रा डे के लिए, ताकि जो है आप अच्छी एंट्री कर सको और कुछ अच्छा ट्रेड करो और लॉसेस से बचो। वैसे भी ये जो हमारा मोटो है वो यही है कि फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो जी मीर को इजाजत दीजिए यहाँ पर, होप आपको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। प्रीकॉशंस क्या लेने हैं इस स्ट्रेटजी के लिए ये भी बता दूं मैं आपको कि प्रीकॉशंस ये है कि आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेड करना है, सुबह सुबह ट्रेड नहीं करना है। सेकंड बात ये कि आपने जो है वो जब आप ये ट्रेड ले लो तो आपने स्क्रीन के सामने ही बैठना है। थर्ड प्रीकॉशन ये है कि आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपने देखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपने सेट करना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए जो है ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड किस तरीके से आप पोजिशन साइजिंग करते हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो निकालते हो, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं। तो अब आप मीर को इजाजत दीजिए, सलाम वालेकुम।